नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट निकलवाने के लिए प्रतियोगी मोर्चा और LT समर्थक मोर्चा की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन 13 जनवरी से चल रहा है। ठीक है, आज भी धरना प्रदर्शन हुआ, जबकि आज लोक सेवा आयोग बंद है, लेकिन लय ना बिगड़े, जो एक तरीके से अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है वो चलता रहे, इसमें किसी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो, इसी के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है आज भी। और दोस्तों, आज सभी छात्रों ने, सभी प्रतियोगी जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने अपने तरफ से इसका विरोध जताया और LT रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने के लिए कहा। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि मुश्किल से 4-5 दिन और आप लोग साथ दे दीजिए, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन में शामिल होइए, 4-5 दिन के अंदर LT का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, कल का जो दिन है वो खास हो सकता है, क्योंकि कल अभ्यर्थियों ने काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, क्योंकि अगर इसी तरह से पर डे अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है, उस पर मीडिया की भी नज़र जाती है, लगातार धरना प्रदर्शन एक ही तरीके से होता है तो मीडिया भी उतना इंटरेस्ट नहीं होता, और सारा खेल दोस्तों मीडिया का है। जितना ज़्यादा मीडिया इस पर एक्शन लेगा, उतनी जल्दी आपके रिजल्ट आएंगे। तो देखिए इस वीडियो में किस तरीके से अभ्यर्थियों ने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर सभी अभ्यर्थी अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। अब ये वीडियो भी देखे इन्होंने क्या अपील करी है। और दोस्तों, अंत में देखिए आप कल की प्लानिंग के लिए इन्होंने क्या कहा है। मीडिया के लोगों से मेरी बात सुनी तो वो उनका कहना था कि आप रोज रोज ये कई तरह का कार्यक्रम करेंगे तो निराशा आ जाएगी। धीरे धीरे मीडिया उनको छापना कम कर देता है,
इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हर रोज कुछ न कुछ अलग अलग कार्यक्रम हम तय करेंगे। इसी क्रम में कल हम लोग पट्टी की व्यवस्था करते हैं, काली पट्टी बांध करके और यहाँ पे विरोध जताया जाएगा तथा पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, आज जागरूकता नहीं होनी चाहिए, कल इतनी भीड़ होनी चाहिए कि सड़क का आवागमन रुक ही जाए तो अच्छा है। अब एक बार हम लोगों ने तय किया है तो जब तय किया है तो हम अपना रिजल्ट लेकर के पीछे हटेंगे, बाकी बातें कर। तो दोस्तों ये कल की प्लानिंग है, आप लोग से भी गुजारिश है अगर आप इलाहाबाद या उसके आसपास के हैं या एलटी के कैंडिडेट हैं और कहीं से भी हैं तो आप लोग इस धरना प्रदर्शन में ज़रूर जाएं। आने वाले 4-5 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलटी और हिंदी का रिजल्ट, एलटी और सोशल, मतलब हिंदी और सोशल का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। धन्यवाद।